हम लोग आज जो है अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी है, ये एक स्थापना हुआ था 10 अक्टूबर 1979 में, जब हमारे यहाँ पे महिला लोग का राइट्स नहीं था। जैसे बहुत सारा सोशल इविल्स होते थे हमारे यहाँ पे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, या फोर्स मैरिज, या पॉलीगेमी, जो अभी तक मुद्दा हम लोग का सोसाइटी में चल रहा है, और बहुत सारा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का बात करो, वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज रहा है, तो इस मुद्दे को उठाते हुए जो हम लोग का फ्यू कमिटेड लेडीज लोग ने स्टार्ट किया है, आज बहुत खुश है, क्योंकि आज दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैचेस, बहुत कम लोगों से स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारे 42 ब्रांचेस है इंटायर स्टेट में, आप देखिएगा 42 ब्रांचेस एंड एफिलेटेड बॉडीज है। तो आज जो हमारा जो है दो प्रोग्राम्स रहा है, एक है कि हम लोग आज महिला इमदाद भवन हम लोग का जो हेड ऑफिस है नाहरलगन, उसमें हमने सेलिब्रेट किया। तो उसमें ये साल का जो हमने थीम रखा है जो है ईच वन प्लान फाइव प्लांट्स जो है, तो इसलिए हैशटैग सेव मदर हार्ट्स। तो बीइंग ए मदर एनजीओ बिसाइड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टू वर्क फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इट्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग का एज ए मदर एनजीओ होने का नाते हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारा जो अर्थ है उसको कैसे सेव किया जाए। तो इस मुद्दे को लेके हम लोग ये वर्क किक ऑफ कर दिया है। तो आज सुबह हमारा एक मेंबर्स ने फाइव जो है हमारे फ्रूट्स बियरिंग, स्पेशली मेरे जितना भी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस है एफिलेटेड बॉडीज को आज हम किक ऑफ किया है। तो उसको हम यही बोला है कि जो फ्रूट बियरिंग्स है स्पेशली प्रिपरेबली हम उन लोग को बोला है कि आंगनबाड़ी सेंटर्स, क्योंकि वहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रंस रहता है, क्योंकि कल को नॉट ओनली कभी कभी होता है एनवायरमेंट डे वगैरह में प्लांट तो लगा देता है लेकिन उसको देखता नहीं, बात प्लांट मर जाता है। तो बेसिकली वी यूज द वर्ड अडॉप्ट्स, यहाँ पे सिर्फ प्लांटेशन भी नहीं करेगा हम लोग, उसको टोटली फ्रॉम प्लांटेशन टिल ग्रोथ तक उसको हम लोग, इसलिए हम लोग अडॉप्ट किया है। तो हम लोग का प्लेस भी हम लोग लिया गया था, हम लोग का जितना भी मेम्बर्स है हम लोग सिग्नेचर, हम लोग आपस में सिग्नेचर कैंपेन भी किया है, तो वो एक था। और हमारे जो है 44th फाउंडेशन डे में हमने एक सोविनियर भी रिलीज किया था वुमेन, जो आप देखिएगा ट्रेवल वुमेन हाउ दे हैव स्ट्रगल्स, तो स्ट्रगल करके आज जो एम्पावरमेंट में स्टेट में हम लोग ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से काम किया है, उसको भी हम लोग डिपिक करते हुए आप लोग मॉर्निंग में भी देखा है कि एक सोविनियर हमने रिलीज़ किया। तो आज तो आप जैसे कि देखता है कि मेंटल हेल्थ डे भी है, आप जानता है कि 10 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड एज ए मेंटल हेल्थ डे। तो आप भी जाता है यहाँ पर बहुत सारा ऐसे ही केसेस रखा जाता है, तो हम लोग का ये ये टीम का ये है कि विल सेलिब्रेट आवर डे ना, ये जो है अपना आप में सेलिब्रेट करने से बेहतर हमारे जो यहाँ पे लिविंग होम है, हमारे जितने भी रेसिडेंट्स यहाँ पे लिविंग होम में दीपक नाबुम जो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, तो उसके साथ में एक उनके साथ में सेलिब्रेट किया। आप लोग भी देखा है वी हैव डोनेटेड सम इटेबल आइटम्स फॉर द दिस होम। तो बेसिकली आप लोग हम लोग का भी एजेंडा में भी देखा होगा, बेसिकली हम लोग इनमेट्स का वर्ड्स यूज़ नहीं किया, ये जो वी हैव यूज द वर्ड रेसिडेंट, तो हम लोग फील करता है कि कभी कभी हम लोग इनमेट्स वगैरह यूज़ करते, इट मोर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव टाइप लगता है कि वो लोग दिस मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजन्स ना ये कैटेगरी, इसलिए हम लोग का आप लोग एजेंडा में भी लिखा है कि विजिट द रेसिडेंट ऑफ दीपक नाबुम लिविंग होम। तो ये जो है चीज़ को भी हम लोग डिस्कार्ड करना चाहिए, स्पेशली इनमेट्स वगैरह, क्योंकि ये लिविंग होम में देखता है कि दीपक नाबुम बहुत कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी में कर रहा है, जितना भी इन हाउस या में रेसिडेंट है रियली इट्स बिकॉज ऑफ देयर टायरलेस वर्क एंड दे आर रेंडरिंग फॉर द सोसाइटी। और इट्स नॉट ईजी जो मेंटल हेल्थ चीज़ को देखना, जो इन कैटेगरी ऑफ आदमी को देखना, इट ईजी नहीं, जितना नॉर्मल एक डिस्टिट्यूट को एक नॉर्मल आदमी को देखना इज़ वेरी ईजी, बट ये चीज़ को देखना, इसलिए हम लोग का थैंक्स भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, थैंक यू सो मच। जितना भी हम लोग का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम है, देन इतना एफिलेटेड बॉडीज का तरफ से भी थैंक्स है, तो हम लोग आप लोग को भी थैंक्स देना चाहेगा, क्योंकि थ्रू मीडिया ऑल्सो आप लोग का द्वारा से जो एक्टिविटीज़ होता है दिखाई देता है, सो देट वी वॉन्ट टू इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जर्नी रहा है बहुत सारा एक्टिविटीज़ हमने किया गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का, बहुत लोग जानता भी नहीं, क्योंकि उस समय में हम लोग का मीडिया वगैरह नहीं होता था, उस समय में मोटरेबल रोड्स नहीं होता था जो उस समय, लेकिन आज देखता है कि मीडिया का थ्रोस है, लोगों को भी हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने लगा है, इसलिए आप मीडिया टीम लोग को भी आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहेगा।